नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु। नमस्कार, आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। खबर बड़ी है, देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी का रोड मैप तैयार है। मोदी की लोकप्रियता को भुनाएगी बीजेपी और सितंबर से हर महीने यूपी में पीएम के 2 से 3 कार्यक्रम किए जाएंगे। संगठन के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं प्रधानमंत्री सरकारी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे, तो बड़ी सौगातें सौंपी जाएंगी यूपी वासियों को। सितंबर से हर महीने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के 2 से 3 कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी की लोकप्रियता को बढ़ाने की पूरी तैयारी यहां पर सरकार की तरफ से कर ली गई और सितंबर से हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 से 3 कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। सरकारी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और संगठन के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। रविकांत जुड़े हुए हमारे साथ। रवि, और क्या रणनीति यहां पर बनाई गई है? देखिए हिमांशु, भारतीय जनता पार्टी यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री ही सबसे बड़ा चेहरा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा रहेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो लोकप्रियता है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए सीएम की लोकप्रियता को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब हर महीने 2 से 3 कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में लगने वाले हैं। उनमें कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लगभग बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेस वे का भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ के 8 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। ऐसी लंबी फहरिस्त है प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार हो गए हैं या जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री को करना है। तो बीजेपी ने छोटी तंजी रणनीति के तहत सभी बड़े नेताओं के कार्यक्रम को फाइनल करना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संगठन के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविकांत हर बार बिल्कुल। तो आने वाले विधानसभा चुनावों को बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। रविकांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री सरकारी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे और सितंबर से हर महीने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के 2 से 3 कार्यक्रम होंगे। शुरुआत करेंगे 100 खबरों की।